हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फॉर चैनल का नया एक वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग काइनमास्टर के अंदर फ्लिकर इफेक्ट को बना सकते हो एंड इसको यूज़ कर सकते हो आपका वीडियो में। हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही सुना है, हम आप लोगों को काइनमास्टर के अंदर फ्लिकर इफेक्ट को बना करके एंड उसको यूज़ करके दिखाएंगे। तो वीडियो को जरूर इन तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए एडिटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो पहले आप लोग काइनमास्टर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक वीडियो को ले लेता हूँ, एक्चुअली ले चुका हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ से। तो मैं पर इसी वीडियो के ऊपर आप लोगों को फ्लिकर इफेक्ट को बना के एंड इसको यूज करके दिखाएंगे। तो आप लोग इसी वीडियो को ले लेना, ठीक है ना गाइस। एक्चुअली आप लोग जो इस वीडियो के ऊपर और फ्लिकर इफेक्ट को बनाना चाहते हो उस वीडियो को ले लो पहले। उसके बाद यहाँ पर जो लेयर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद पहले आप लोग पोजिशन सेट कर लो जी कहाँ पर है फ्लिकर इफेक्ट देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इसी पोजिशन पर फ्लिकर इफेक्ट दूंगा, तो इसी पोजिशन पर ले आ चुका हूँ। उसके बाद लेयर वाला ऑप्शन पे जाना। लेयर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर जो मीडिया वाला ऑप्शन देख रहे हो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड वाला इमेज एसेट से एक इमेज ले लेना, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर इमेज एसेट से आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद इसका यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना तो मैं मिलेगा यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फुल में रख देना। उसके बाद बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग दो तरीका आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना गाइस। दो तरीका आप लोगों को दिखाऊंगा फ्लिकर इफेक्ट को देने के लिए। तो पहला जो स्टेप है यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा इसका जो एक्चुअली ड्यूरेशन इसको यहाँ पर थोड़ा कम कर देना, यहाँ पर 0.5 सेकंड रख देना। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना, इसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना, उसके बाद थोड़ा आगे में इसको यहाँ पर रख देना, ठीक है ना गाइस, इस तरह से। उसके बाद दूसरा यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना, उसके बाद थोड़ा आगे में रख देना। इस तरह से आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं जैसे रख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से आप लोग रख देना एडिटिंग करके सुमाए, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से आप लोग रख देना एडिटिंग करते हुए, तो आप लोगों का इस तरह से फ्लिकिंग एक्चुअली फ्लिकर इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा और भी आप लोग जो स्पेस है यहाँ पर थोड़ा कम कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना गाइस। मैं यहाँ पर फिर से चालू करके दिखा देता हूँ इस तरह से। और नहीं तो और एक ट्रिक्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर और भी ज़्यादा लोगे तो भी और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना गाइस। इस तरह से आप लोग ले सकते हो। एंड और भी एक टिप्स दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर उसी तरह के आप लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेना, एक्चुअली ब्लैक इमेज ले लेना इमेज एसेट से। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन पर थोड़ा बड़ा कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओवरऑल जो एनिमेशन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा फ्लिकर, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो आप लोगों का फ्लिकर एनिमेशन तैयार हो जाएगा। आप लोग इस तरह से कर सकते हो। ये थोड़ा स्प्लिट में होगा, ठीक है ना गाइस, अरे थोड़ा धीरे धीरे में होगा क्योंकि ये आप लोग बना हुआ है, ठीक है ना गाइस, इस तरह से। और ये भी आप लोग दे सकते हो, तो यहाँ पर इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पर वीडियो को सेव कर लेना यहाँ, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग इस तरह से नए नए एडिटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो गाइस इस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।